नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट या फिर टेम्परेरी डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देख सकते हैं मोबाइल की मेन स्क्रीन में हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर आपको फेसबुक का ऐप खोलना है। ऐप खोलने के बाद जो ऊपर राइट हैंड में 3 डॉट दिख रहे हैं उनमें क्लिक करना है आपने। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपने यहाँ पर जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग, दूसरा प्राइवेसी शॉर्टकट, योर टाइम ऑन फेसबुक, लैंग्वेज और कोड जनरेटर। तो यहाँ पर आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपने सेटिंग्स के अंदर जब जाएंगे आप, सबसे नीचे आना है आपने, और यहाँ पर आपको दिखेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो इसमें क्लिक करना है आपने। अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाएंगे आपको, मेमोरियलाइजेशन सेटिंग, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन, मैनेजिंग योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरियलाइजेशन सेटिंग, तो इसके बारे में यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा, चूज़ लीगेसी कॉन्टैक्ट। ये ऑप्शन तब यूज़ होता है जब कोई फेसबुक यूजर के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसने अपने अकाउंट को इंसिडेंट के बाद, तो जब इफ़ समवन फेसबुक यूजर नो मोर देन व्हाट हैपेंड, तो क्या वो चाहता है उसके बाद अगर वो नहीं रहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। तो इसकी मैंने एक अलग से वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करके आपका अकाउंट अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है आपका, तो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा या फिर मेमोरियल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, मेनली डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। तो देखिए जो मैंने चूज किया है डीएक्टिवेट अकाउंट, तो डीएक्टिवेट अकाउंट में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है आपके, डीएक्टिवेशन योर अकाउंट बी टेम्परेरी, मतलब ये जो आपका अकाउंट है टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट हो जाएगा जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको देखिए डीएक्टिवेट अकाउंट को आपने चूज करना है, और चूज करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोबारा पासवर्ड डालने को बोलेगा कि अगर आपने अपना अकाउंट टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर वो पासवर्ड डालने को बोल रहा है। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड डाल देना है, देन आफ्टर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब जो नीचे ऑप्शन है सेकेंड नंबर का, डिलीट अकाउंट, डिलीट योर अकाउंट इज परमानेंट, व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू वुड नॉट बी एबल टू रिट्राइव द कॉन्टेक्ट एंड इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड ऑन फेसबुक, योर मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेजेस विल ऑल्सो बी डिलीटेड। तो ये ऑप्शन जब आप चूज करेंगे तो आपका अकाउंट जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा है, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप जितने भी आपके जो अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं अपना अकाउंट, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट की मदद से कहाँ पर आपने लॉग इन किया था वो डिटेल्स भी यहाँ पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव है, देन आफ्टर एक्सपायर्ड, और थर्ड वन रिमूव्ड, आपने जो फेसबुक अकाउंट है वो कहाँ से अपना रिमूव कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक अकाउंट को टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।